हेलो दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर दें, एंड उसके साथ एक छोटी सी बेल बनी है वहाँ पे जरूर क्लिक करें और देखिए मेरे डेली न्यू लेटेस्ट टेक वीडियोस। थैंक यू दोस्तों, मैं हूं जगजीत, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी वाइट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका मोबाइल फोन कहीं पे खो जाता है, कहीं पे चोरी हो जाता है, कहीं पे गिर जाता है, तो कैसे आप अपने फोन को ढूंढ सकते हो। चाहे वो फोन आपके घर पे क्यों ना हो, आपको मिल ना रहा हो, तो कैसे आप चेक कर पाओगे कहाँ पे है मेरा फोन, कहाँ क्या उसकी लोकेशन है, तो कैसे आप ढूंढ पाओगे। हम सब कुछ अपने इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं, और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि IME नंबर का क्या रोल है हमारे इस मोबाइल फोन में, क्यों हमारे हर एक फोन में IME नंबर लगा होता है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ IME नंबर की। IME नंबर दोस्तों हमारे हर एक मोबाइल फोन में होता है। वो नंबर एक रजिस्टर्ड होता है, जो एक पहचान है आपके एक मोबाइल फोन की। वो नंबर आपके मोबाइल फोन के बॉक्स पे भी होगा, उसके बैक पे लिखा होता है, जब वो स्टिकर लगा होता है उसका। और अगर नहीं, आप चेक भी कर सकते हो *#06# से, आपको वहां पे शो हो जाएगा। कोई ड्यूल सिम मोबाइल फोन है तो 2 IME नंबर हो गए। हर एक सिम स्लॉट का IME नंबर एक अलग से होता है। और आप अगर मोबाइल फोन की अगर आपकी बैटरी आप रिमूव कर सकते हो, तो रिमूवेबल होगी, तो आप जब बैटरी को रिमूव करोगे तो उसके नीचे भी लिखा होगा वो IME नंबर आपके मोबाइल फोन का। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि IME नंबर चेंज करना कई कंट्रीज में लीगल भी है और कई कंट्रीज में इलीगल भी है। बिकॉज एक ही IME नंबर के दो मोबाइल फोन कभी नहीं चलते, हर एक का यूनिक नंबर होता है। तो इसी वजह से जो पहले हम स्टार्टिंग में चाइनीज मोबाइल आए थे हमारी मार्केट में, तो उनपे IME नंबर नहीं थे। IME नंबर नहीं होने की वजह से वो आई थिंक वो बंद भी हो गए थे, और कई में नेटवर्क आना बंद हो गया था, तो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंगली उनको वो IME नंबर उनको रजिस्टर करना पड़ा। तो तभी से सभी मोबाइल के पीछे IME नंबर इंक्लूड होने लगे। अब हर एक अगर आपके मोबाइल फोन को एक नेटवर्क से जुड़ना है, तो वो IME नंबर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो वो IME नंबर आपको उस नेटवर्क से जोड़ने का काम करता है, तो IME नंबर होता ही होता है। तो चलो, ये बात तो रही IME नंबर की। अब मैं बताता हूँ, अगर आपका मोबाइल फोन गुम हो गया है तो कैसे आप ट्रैक करते हो अपने अपने IME नंबर से। दोस्तों, सबसे पहले तो बात ये रहती है कि आपके पास मोबाइल फोन कौन सा है। एक कीपैड वाला है, फीचर्ड फोन है, और आपका एक पास कोई स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड मोबाइल है, iOS है, आईफोन है। तो मेन बात तो यही रही, अगर सबसे पहले आपका फोन है एक फीचर्ड फोन है, कीपैड वाला फोन है, अगर वो गुम हो जाता है, तो मैं सबसे सीधे सीधे बताऊंगा कि अगर वो गुम हो भी जाता है तो उसको रिकवर आप बोलो कि मैं उसको ढूंढ लूंगा इंटरनेट इंटरनेट पे जाके, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो आप जैसे जैसे क्या 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 करोगे कि आपको मोबाइल फोन गुम भी हो चुका है, तो आप उस मोबाइल फोन का एक बॉक्स लेके जाओगे जहाँ से यार अपने एक पुलिस स्टेशन के पास, जो आपके घर के पास पड़ता होगा, उनके पे उनको जब बताओगे कि आगे यार मेरा ये IME नंबर है, तो वो आपको क्या करेंगे, एक FIR लिख के दे देंगे, और आप उस FIR की कॉपी अपने सिम लेने के लिए, उस जो आपके उस मोबाइल फोन में सिम थी उसके डुप्लीकेट निकालने के लिए उस FIR की कॉपी एक कंपनी वालों को दे दोगे, तो वो उसकी आपकी सिम की डुप्लीकेट एक सिम आपको दे देगा, जिससे आप अपने मोबाइल सिम को दोबारा यूज कर पाओगे। बस इतना ही होता है एक फीचर्ड फोन में। अगर बात रहती है अगर हमारे पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है, तो आप कैसे कर सकते हो उसको रिकवर, कैसे ढूंढ पाओगे अपने मोबाइल फोन को, हम आज सब कुछ मैं आपको बताने लगा हूँ प्रैक्टिकली। तो आई होप आपको मेरी ये आगे जो चल रही वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो आपको मैं सब कुछ आप बताने लगा हूँ इस वीडियो में कि कैसे आप ढूंढ पाओगे एक एंड्रॉयड मोबाइल को अगर वो गुम हो जाता है, तो चाहे वो मोबाइल फोन आपके घर पे क्यों ना हो, आप तब भी उसको रिकवर मतलब ढूंढ पाओगे। चाहे कहीं मतलब कि आप एक रूम में हो तो मोबाइल फोन दूसरी रूम में है, तो आपको पता नहीं है वो साइलेंट मोड पे है, तो आप कैसे पता करोगे, जा कैसे पता लग सकता कि कहाँ पे है मेरी लोकेशन, कहाँ पे है। अगर कहीं पे गिर भी जाता है तो आप ढूंढ पाओगे कि इस लोकेशन पे जाके मेरा गिरा था, तो मैं जाके ले आऊँ, तो आप बड़ी इजिली जाके वहां पे पता कर सकते हो इंटरनेट पे जाके। गूगल गूगल के गूगल पे आपको करना कुछ नहीं है, गूगल पे एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर पे जाना है, तो आपको चेक हो जाएगा जो सी आपने ईमेल आईडी वहां पे फिल करी है अपने मोबाइल फोन में, प्ले स्टोर में जीमेल की आईडी जो फिल करी है, वही फिल आईडी आप लॉगिन करोगे वहां पे गूगल पे, तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा वहां पे। अभी मैं आपको बताऊंगा, पर सबसे पहले मैं ये भी तभी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मोबाइल फोन गिर चुका है, तो आप उस मोबाइल फोन को क्या आप लॉक भी कर सकते हो, उसके डाटे को अगर लॉक कर दिया है तो लॉक के ऊपर आपको मैसेज भी छोड़ पाओगे कि हम अगर किसी को ये मोबाइल मिल जाए तो आप इस लोकेशन पे जाके इसको पहुंचा दीजिएगा। तो आप ये भी कर सकते हो, अपने डाटे को इरेज भी कर पाओगे, तो आप सब कुछ कर सकते हो। चाहे आपको एक मोबाइल फोन पे रिंग भी डाल सकते हो,
कि मतलब वो रिंग खुद ब खुद होने लगेगा, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे मेरा मोबाइल गिरा है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये पे यहाँ पे है। पर मेन बात जो ये है कि आपको मोबाइल फोन में वो नेटवर्क आने चाहिए, मतलब सिग्नल होने चाहिए आपके मोबाइल फोन में आने चाहिए। ये ना हो कि बंद हो तो वो आपको मिलेगा ही नहीं। तो मेन बात जो है वो सिग्नल होने चाहिए, मोबाइल फोन ऑन होना चाहिए, तो वो ट्रैक कर लेगा आपके IME नंबर को और आपकी Gmail ID को मैच करेगा। तो जब मैच हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फोन से कनेक्ट कर देगा आपकी Gmail ID को। तो चलो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ आपके जो प्रैक्टिकल वाला प्रोसेस, तो देखते हैं आगे क्या होता है, तुम दिखाता हूँ आपको। हेलो दोस्तों, अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे आप अपने फोन को ढूंढ पाओगे। तो अभी फिलहाल के लिए मेरे पास जो है वो माइक्रोमैक्स का U92 है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या फंक्शन है, अभी क्या आपको स्क्रीन में शो होगा जब आप अपने मोबाइल को ढूंढने जाओगे। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास गूगल क्रोम होना चाहिए, जो कि कोई भी ब्राउजर हो चलेगा। मेरे पास गूगल क्रोम है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। जब मैंने इसको ओपन करा, आपको क्या सर्च करना है उस पे, एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर। ओके, ये आप करोगे तो आपके पास जैसा पेज खुल जाएगा, तो आपको फर्स्ट लिंक पे ओपन करना है। यदि मैं इसको ओपन कर देता हूं तो यहाँ पे आपको Email ID फिल करनी है, लॉगिन करना है, वही लॉगिन करना है आपको जो आपने प्ले स्टोर पे अपने जोन सी Gmail ID को लॉगिन करा था अपने मोबाइल फोन पे, उस Email ID को आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। जब आपको इस स्टेप पे जाके आप लॉगिन कर लोगे तो आपके पास क्या कौन सा पेज होगा, ये वाला। ओके फ्रेंड्स, आपके पास जब ये वाला फॉर्म पेज आ जाएगा तो आपको क्या करना है इस पे, अब सबसे पहले देख तो यहाँ पे है प्ले साउंड की ऑप्शन। अब जब भी इस पे क्लिक करोगे ना तो आपका फोन ऑटोमेटिकली रिंगिंग पे चला जाएगा। जैसे आप देख सकते हो ये मेरे पीछे पर साउंड स्टार्ट हो गई है, जब भी ये फोन मेरा क्लिक चला गया है रिंगिंग मोड पे। अगर मैं स्टॉप रिंगिंग करता हूँ इसी टाइम अपने फोन बंद हो जाएगा, जो स्टॉप रिंगिंग है वो रिंगिंग होना बंद हो जाएगा। ओके, तो जब भी हम प्ले साउंड पे क्लिक करते हैं तो हमारा फोन क्लियर रिंगिंग पे स्टार्ट मोड पे चला जाता है, और जब भी जैसे देख रहे हो मैंने बाहर से करा था तो मेरा फोन रिंगिंग पे चला गया है, और हम स्टॉप रिंगिंग करते हैं तो बैक आ जाता है। ओके, ये रिंगिंग बंद हो जाएगी। ओके, अगर हम बैक आते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे लॉक की ऑप्शन है, लॉक डिवाइस एंड डिस्प्ले अ मैसेज और फोन नंबर। जब भी आपका फोन कहीं पे गिर जाता है तो आप उसने फोन को लॉक कर पाओगे, यही घर पे ही आप लोग अपने मोबाइल फोन लॉक कर पाओगे, चाहे वो फोन कहीं पे भी गिरा हो, बस वहां पे सिग्नल आने चाहिए। तो जैसे देख सकते हो, अगर आप यहाँ से लॉक कर देते हो अपने फोन को तो कोई डिस्प्ले मैसेज करवाना हो कि अगर किसी मोबाइल फोन आपको गुम आपका गुर्ज गिर जाता है कहीं पे, तो वहां भी ऊपर शो हो जाए आपका मैसेज, जो चाहते हो अपना एड्रेस देना या कुछ भी नंबर देना, फोन नंबर या आपका नेम वगैरह, तो आप वहां पे दे सकोगे और आपका फोन लॉक हो जाएगा। चलते हैं इसके आगे। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है रिकवरी मैसेज, कौन सा मैसेज वहां पे जो ऊपर शो हो जाए और कौन सा नंबर वहां पे ऊपर शो हो, लीव एनीवेयर हु फाइंड द डिवाइस मैसेज और फोन नंबर वेयर यू वांट टू रीच। कोई भी फोन जब आप कोई वहां पे पहुंचेगा, देखेगा आपके फोन को, तो वहां पे वो कौन सा मैसेज वहां पे शो हो, कौन सा नंबर शो हो, तो ये सब कुछ वहां पे आप फिल कर पाओगे। लॉक पे क्लिक करोगे तो आपका मोबाइल फोन लॉक हो जाएगा। ओके, हम बैक आते हैं तो नीचे ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल रही है इरेज की। इरेज ऑल द कंटेंट फ्रॉम द डिवाइस, आपके डिवाइस में कुछ कोई सारे कंटेंट डिलीट कर देगा वो, यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू लोकेट इट। वो आपको जो आप चाहते हो कि मेरा जो डाटा है वो किसी गलत हाथों में मत पड़े, तो आप इसको वहां पे इरेज भी कर पाओगे। ऑल डाटा विल परमानेंटली इरेज फ्रॉम दिस डिवाइस, वो परमानेंट डिलीट आपको डिलीट कर देगा वहां से। तो जब भी अगर आप डाटा आपका ऑफलाइन मोड पे है, जब भी आपको ऑनलाइन मोड पे आएगा तो वो ऑटोमेटिकली इरेज कर देगा डाटा को। ओके, तो जैसे ही आप इरेज पे क्लिक करोगे तो आपका सारा डाटा इरेज हो जाएगा। तो ये तीन ऑप्शन थी, ये मैंने आपको दिखाना चाहता था कि कैसे आप अपने फाइंड माई डिवाइस पे जाके कैसे आप अपने मोबाइल फोन को देख पाओगे कि कहाँ पे है वो, ऑनलाइन पे है कि ऑफलाइन मोड पे है, लोकेशन टर्न ऑन और ऑफ करी हुई है। अगर मैं अपने मोबाइल फोन में लोकेशन ऑन कर देता हूँ तब यहाँ पे मैं उसके यहाँ पे आप चेक भी कर पाओगे कि कहाँ पे है हमारा ये मोबाइल फोन। तो ऐसे में अपने GPS लोकेशन को हमेशा ऑन रखा करो, तो इससे क्या होगा कि आप अपने फोन को कहीं पे गिर भी जाता है आपको, तो आपको यहाँ से मैप से पता लग जाएगा कि कैसे हम अपने मोबाइल फोन को ढूंढ पाओगे। तो आई होप आपको मेरा छोटा ये प्रोसेस अच्छा लगा होगा, मैंने ये सारा प्रैक्टिकली करके आपको दिखाया है कि कैसे आप देख सकते हो अपने मोबाइल फोन को यहाँ पे।
तो आप कभी आपको मोबाइल फोन गुम भी हो जाता है तो आप इजीली इसको रिकवर कर पाओगे, ढूंढ पाओगे कि कहाँ पे है हमारा ये मोबाइल फोन। जैसे फुल स्क्रीन मोड में भी आप दे सकोगे यहाँ पे है हमारा वे। तो अभी हम बैक आते हैं। तो यही सारा प्रोसेस था दोस्तों। आई होप आपको ये छोटा सा प्रोसेस मेरा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता था। अगर आपको मेरी ये छोटी सी टॉपिक अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे इस चैनल को। तो थैंक यू दोस्तों इस छोटे से प्रोसेस को देखने के लिए। ये काफी फायदेमंद है आप सबके लिए। तो जरूर देखिए इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक। आपको मेरी ये आगे जो मैंने दिखाया है आपको सारा प्रैक्टिकल करके, तो आपको अच्छा लगा होगा, आपको पता लग गया होगा अगर आपको मोबाइल फोन गुम हो जाता है तो कैसे आप उसको रिकवर कर पाओगे और कैसे आप ढूंढ पाओगे कि कहाँ पे है मेरा मोबाइल फोन, आपको डाटा को कैसे लॉक करा, आपने कैसे इरेज करा, कैसे रिंग हुई, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बिकॉज ऐसे में वीडियो टेक्निकल वीडियोज लेके आता रहता हूँ जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो को देखने के लिए।